हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू स्वागत करती हूँ आप सभी का माय किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला नूडल्स। यहाँ पर मैं नूडल्स ली हूँ, इसे हम पूरे इंडिया में मैगी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर मैं ली हूँ 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और ये 1 चम्मच मैगी मसाला है और स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ पे सब्जी में ले रही हूँ पत्ता गोभी, हरा मटर, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर और हरी धनिया। कढ़ाई को गरम कर चुकी हूँ और इसमें मैं तेल भी डाल चुकी हूँ। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे हरा मिर्च, प्याज। प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। प्याज को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी गाजर। मटर, टमाटर, ये सभी चीज़ों को भी भून लेंगे। डाल दूँ नमक स्वाद अनुसार। नमक को भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढक देंगे, क्योंकि ढक कर पकाएंगे तो ये थोड़ा सब्जी पक। एक से दो मिनट हो चुका है। गाजर मटर को भी डाल के भूनते हैं। अब इसमें मैं डाल दूँ पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। इसमें डालेंगे हल्दी। काली मिर्च और जीरा पाउडर। अब इन्हें मिक्स कर लेंगे। मैगी को हम अक्सर बच्चे को बोलते हैं कि नहीं अनहेल्दी होता है, लेकिन अनहेल्दी को हेल्दी बनाना मम्मी का काम है। तो इसमें खूब सारी सब्जी डाल देंगे कि बच्चे भी खुश और मम्मी भी खुश। बच्चे मैगी खाकर खुश और मम्मी सब्जी खिलाकर खुश। कुछ देर के लिए नहीं ढक देंगे ताकि सब्जी पक जाए। सब्जी को चेक करेंगे गाजर और मटर पक गया है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, इजली मैश हो जा रहा है, अच्छी तरह से सब्जी पक चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नूडल्स मसाला। और इसमें डालूंगी नूडल्स। और ये पानी आप उतना ही डालें जितना आप ग्रेवी पसंद कर रहे हैं। अब इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट हो चुका है। ये देखिए मैगी कितना बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। अब मैं गैस को कर दे रही हूँ ऑफ। इसमें डाल दूँ धनिया का पत्ता। इसे प्लेट में निकाल ले रही हूँ। ये
देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया नूडल्स बनकर तैयार हो चुका है, एकदम गर्मा गर्म। अगर आपको मेरी ये नूडल्स बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।